एक सपना जैसा ही है कि आप किसी को सच्चा प्यार करें और आपकी उससे शादी हो जाए। ऋषि कपूर के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था, पर अचानक ही शादी के दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग हैरान रह गए। नमस्कार, अमन त्रिपाठी के साथ आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीतू और ऋषि कपूर की, बने रहिए हमारे साथ। कुछ लोगों का तो यह तक कहना है कि ऋषि के साथ ही नहीं, नीतू सिंह के साथ भी वो सब कुछ हुआ था। नीतू और ऋषि कपूर शादी के समय ही बेहोश हो गए थे और यह खबर खुद नीतू सिंह ने एक इंटरव्यू के समय दी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ होगा कि अचानक यह प्रेमी जोड़ा बेहोश हो गया था। इस घटना को बताने से पहले इस प्रेमी जोड़े की प्रेम भरी कहानी पर एक नजर डाल ली जाए। बॉलीवुड की एवरग्रीन जोड़ी 1979 में शादी के बंधन में बंध गई। नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी में बॉलीवुड की तमाम हस्तियां आई थी। शादी के समय नीतू सिंह इसलिए बेहोश हो गई थी क्योंकि उनका लहंगा भारी था जो उनसे संभल नहीं पा रहा था। ऋषि कपूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वह भी इस दौरान बेहोश हो गए थे क्योंकि ऋषि अपने आसपास मौजूद भीड़ से इतने परेशान हो गए कि घोड़ी चढ़ने से पहले ही उन्हें चक्कर आ गए थे। नीतू सिंह और ऋषि कपूर की जोड़ी को एवरग्रीन जोड़ी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शादी के कई साल बाद भी दोनों एक साथ फिल्मों में रोमांस करते हुए दिखाई दिए थे। हाल के सालों में फिल्म दो दुनी चार, लव आजकल और जब तक है जान जैसी सुपरहिट फिल्में इस प्रेमी जोड़े ने एक साथ की हैं। 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर के निधन के बाद नीतू सिंह ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें ऋषि कपूर की एक फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था हमारी कहानी का अंत। इसी के साथ अभी के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों को पाने के लिए देखते रहें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।